पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी क्या है हमारी थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, जो बीएड का फर्स्ट पेपर है। तो आज लेक्चर नंबर है हमारा 7, यूनिट थर्ड का, तीसरी यूनिट का। जैसे हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर करेंगे कि किशोरों के निर्देशन व मार्गदर्शन में अध्यापक एवं माता पिता की भूमिका। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया। हमने किया कि किशोर अवस्था के दौरान शिक्षक, तो जो ये अवस्था है किशोरों की, तो उसके चलते दौरान किस प्रकार की शिक्षा उन्हें देनी चाहिए। तो जैसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई, फिर बताया कि जो उसके पॉइंटों के द्वारा ही हमने एजुकेशन को क्या है क्लियर किया, जैसे शारीरिक विकास पर बल, मानसिक विकास पर बल, नैतिक विकास पर बल, सामाजिक विकास पर बल आदि क्या है हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो लेक्चर नंबर 7 के अंदर आज हम करेंगे कि रोल ऑफ स्कूल टीचर एंड पेरेंट्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ एडोलेसेंस, कि किशोरों के निर्देशन व मार्गदर्शन में विद्यालय अध्यापक व माता पिता की भूमिका, कि रोल ऑफ स्कूल टीचर एंड पेरेंट्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ एडोलेसेंस, कि जो किशोर अवस्था है इस चलते दौरान बच्चों को किस प्रकार के मार्गदर्शन, किस प्रकार का निर्देशन उन्हें देना चाहिए जो उनके भावी लाइफ के लिए, आने वाली लाइफ के लिए बहुत क्या है फायदेमंद सिद्ध हो सके। तो पहले जैसे मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि आपने क्या है अपने टॉपिक से रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन देनी है, अपने टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करने से पहले आपने इंट्रोडक्शन के रूप में क्या है कुछ लाइनें लिखनी है। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ अपने टॉपिक से ही रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन, कि जीवन का सर्वाधिक कठिन व जटिल काल होने के कारण किशोरावस्था में निर्देशन व परामर्श की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि इसे जो किशोरावस्था एज है जो 17-18-19 वर्ष तक मानी गई है, 13 से लेकर 19 वर्ष तक क्या है, इसमें बालक तनावयुक्त एवं संघर्षशील रहता है। तो दीपक रुसीजा जी ने एक इसी से रिगार्डिंग परिभाषा दी है कि बच्चों को समझाने की अपेक्षा बच्चों को समझना बहुत जरूरी है इस एज के अंदर। तो बालक अपनी दिनचर्या क्या है, अधिकतर जो अपना दिनचर्या का ज्यादा लाइफ का अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता है, वो विद्यालय के अंदर ही करता है। तो विद्यालय में क्योंकि हर टीचर को पता होता है कि मेरे बच्चे को किस तरह की निर्देशन व मार्गदर्शन की जरूरत है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है। तो उसमें क्या है उसके निर्देशन और मार्गदर्शन में एक विद्यालय, माता पिता और क्या है विद्यालय एवं अध्यापकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो विद्यालय एवं अध्यापकों व माता पिता की इस भूमिका को क्या है हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करेंगे, निम्न बिंदुओं के द्वारा क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मेरा किशोरों को समझना, फर्स्ट पॉइंट है किशोरों को समझना। अब फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि किशोरों को कैसे समझना, अंडरस्टैंड दी एडोलेसेंस, कि जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इससे रिगार्डिंग दीपक रुसीजा जी ने एक डेफिनेशन दी है कि इस एज के अंदर किशोरों को समझाने की बजाय उनको क्या है समझना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या है किशोरों को यह महसूस होता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे अध्यापक हैं, वो क्या है एक मित्र के रूप में हमारे साथ हैं। तो जैसे भी उनकी लाइफ के अंदर वो क्या है एक पेरेंट्स और शिक्षक ही उनसे भलीभांति जागृत होते हैं कि दीपक रुसीजा जी के अनुसार, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि बच्चों को समझने की बजाय समझाने की बजाय समझने की बहुत जरूरत होती है। इस अवस्था में अध्यापक व माता पिता को किशोरों की विशेषताओं और आवश्यकताओं का क्या है विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसे एक मित्र की भांति उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जो भी उनकी लाइफ के अंदर
जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं पनप रही हैं, एक मित्र की भांति शो नहीं करना चाहिए कि वो उसके शिक्षक हैं या माता पिता हैं। मित्र की भांति जो भी उनकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम का वो फेस कर रहे हैं, कोई समस्या उनसे सुलझ नहीं रही है, तो वो क्या है, एक मित्र बन के एक अच्छे उनके लाइफ के अंदर क्या है निर्देशन व परामर्श क्या है उनको दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया है, पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं कि किशोरों को समझना, अंडरस्टैंड द एडोलेसेंस, कि उन्हें समझाने की बजाय उन्हें समझना जरूरी है कि किस क्षेत्र में उसकी रुचि ज्यादा है, किस चीज को वो पसंद कर रहा है, बल्कि वहां से उसका ध्यान ना हटाकर अगर बच्चा उस चीज को अच्छे से समझ नहीं रहा या किसी और चीज की क्या है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो एक मित्र की तरह है एक अध्यापक और माता पिता को क्या है उनको समझना चाहिए और उनकी कोई भी समस्या है उनका सुझाव करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो इस प्रकार वो माता पिता और अध्यापक उनकी लाइफ के अंदर निर्देशन व परामर्श के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है विषयों की व्यवसायिक संभावनाओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है विषयों की संभावनाओं पर ध्यान देना। अब बात आती है कि विषयों की संभावना स्टूडेंट द्वारा पॉइंट ये लिखती हूं कि विषयों की संभावनाओं पर ध्यान देना। अब बात आती है कि स्टूडेंट किस कैसे विषयों की व्यवसायिक ये पॉइंट हम दोबारा नोट करते हैं स्टूडेंट। विषयों की व्यवसायिक संभावनाओं पर ध्यान देना। अब बात आती है कि कैसे, कई बार कैसे होता है स्टूडेंट कि कई जो विषय है वो बच्चों की रुचि के अनुरूप नहीं होते, तो क्या है कई बार उन्हें झिझक के अंदर आकर, अपने पेरेंट्स की झिझक के अंदर आकर, शिक्षक की झिझक के अंदर आकर वो क्या है धक्के से उनको अपना लेते हैं। तो अब बात आई है हम कि विषयों की व्यवसायिक संभावनाओं पर ध्यान देना कि किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरियां प्राय विभिन्न व्यवसायों के संबंध में ज्ञान एवं रुचि रखने लगते हैं। कई बार उन विषयों का चयन करना उनके लिए क्या है बहुत कठिन होता है कि ये विषय का चयन वो करें या ना करें, अगर करें तो क्या उनकी लाइफ में इस चीज का बेनिफिट होएगा, क्या इससे इस विषय के चुनाव से वो अपने कैरियर को अच्छे से बना पाएंगे, क्या इन लाइफ इससे हम अपनी रोजी रोटी के साधन कमा सकते हैं। तो उनकी रुचि रुझान के हिसाब से एक पेरेंट्स को, एक अध्यापक को, माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि पहले बच्चे से पूछें कि उनकी रुचि रुझान किस में है, ताकि ऐसे विषय का चुनाव करवाएं बच्चे से पूछकर, बच्चे को क्या है एक दोस्त मित्र के रूप में अपने साथ रखें, टाइम टू टाइम उन्हें क्या है टाइम दे, ताकि बच्चा जिस चीज के अंदर बच्चे की रुचि है, जिस चीज के अंदर बच्चे का रुझान है, तो वो क्या है उसे अच्छे से अपना पाए और इससे क्या है उसके क्या व्यवसाय जो क्या है व्यवसाय का अपनी रोजी रोटी के साधन अपनी लाइफ के अंदर वो कमा पाए। अगला पॉइंट है किशोरों में रुचि प्रदर्शन। किशोरों में रुचि प्रदर्शन। अब बात आती है स्टूडेंट की किशोरों में रुचि प्रदर्शन कैसे, कि स्पष्ट है कि किशोर अवस्था में किशोर तथा किशोरियां अनेक कार्यों के प्रति क्या है अपनी रुचि दिखाने लग जाते हैं। रुचि चाहे वो घरेलू कार्यों के अंदर हो, चाहे उनकी स्टडी से रिगार्डिंग कोई कार्य है, चाहे वो अदर कार्य है, तो हर पेरेंट्स का एक फर्ज बनता है, टीचर का फर्ज बनता है कि उनकी रुचि के हिसाब से
रुचि के हिसाब से ही कार्य करवाएं। अगर बाहर इन फ्यूचर वो बाहर जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अध्यापक के साथ, तो जिस चीज के अंदर उसकी रुचि है, चाहे किसी की विषय के बारे में जानकारी लेने की रुचि है, चाहे किसी और चीज के बारे में रुचि है, तो टीचर और पेरेंट्स को उन चीजों को इग्नोर ना करके उनकी रुचि को क्या है प्रदर्शित करना चाहिए। जिस बच्चे जिस सब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बच्चा जानकारी लेना चाह रहा है, कोई एक्सपीरियंस अपना बढ़ाना चाह रहा है, तो हर पेरेंट्स का, हर टीचर का फर्ज बनता है कि उसके प्रति जो भी बच्चा पूछ रहा है इग्नोर करने की बजाय उसके संबंधित क्या है उसे अधिक से अधिक जानकारी देनी चाहिए। तो किशोरियों को लगना चाहिए कि किसी भी समस्या में उनके माता पिता और अध्यापक उनके साथ हैं। किशोरों तथा किशोरियों की आवश्यकताओं को रुचि दिखाने से अध्यापकों और अभिभावकों व बालकों के साथ क्या है आपस में अटूट संबंध बनता है, जिससे अध्यापक और माता पिता बालकों को उचित पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है उच्च शैक्षिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना। उच्च शैक्षिक उपलब्धियों उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना। अब उच्च उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना कैसे, स्टूडेंट देखिए कि बच्चे का क्या है, बच्चे के अंदर इतनी स्किल्स होती है, इतना टैलेंट होता है, तो बच्चों को क्या है हर क्षेत्र में आगे लाया जाए। जो उनके अंदर टैलेंट है, जो उनके अंदर स्किल्स हैं, वो क्या है उभर कर सामने आती हैं। तो माता पिता को बालक के वांछित कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उच्च शैक्षिक उपलब्धि में अधिक क्या है अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। बालकों की योग्यता, क्षमता तथा कुशलता अधिकतम प्रतिपल हेतु निरंतर निर्देशन व परामर्श प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि बच्चों के साथ अगर बच्चा कुछ रॉन्ग भी कर रहा है तो उसे क्या है शाबाश, वेलडन आदि शब्द उनके लिए यूज करने चाहिए। इससे क्या है बच्चों के अंदर जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, वो क्या है दूसरों के सामने उभर कर आती है। तो बच्चों की जो उच्च शैक्षिक उपलब्धियां हैं वो क्या है सामने उभर कर आती हैं, उनके लिए अधिक से अधिक बच्चों को अवसर प्रोवाइड करने चाहिए। अगला पॉइंट है संवेगों पर प्रशिक्षण, ट्रेन द इमोशनल। संवेगों का प्रशिक्षण, अब कैसे ट्रेनिंग करना चाहिए उन्हें संवेगों के प्रति। जो किशोर अवस्था है वो क्या है जीवन का सर्वाधिक कठिन व महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। इसमें क्या है बच्चे ज्यादा उथल-पुथल की स्थिति में रहते हैं, उनके संवेग कभी हमें क्या उनके व्यवहार के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, छोटी छोटी बात पर क्रोधित होते हुए नजर आते हैं, तो कभी वो क्या है एकदम से हसमुख नजर आते हैं। तो बच्चों को इन्हीं संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए, अच्छा उन्हें ट्रेन करने के लिए समय समय पर क्या है उनको प्रशिक्षित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें समय समय पर निर्देशन व परामर्श दिया जाना चाहिए, ताकि वे किसी असामाजिक कार्य में स्लिप्त ना हो सके। कई बार क्या है उनके इमोशन उन पर इतने हावी हो जाते हैं कि वो कई बार गलत रास्ता अपनाने की ताड़ में आ जाते हैं। कई बार पेरेंट्स कहता तो उनके अच्छे के लिए है, बट ये एज ऐसी है कि उन्हें बुरा लगता है, तो कई बार वो सोसाइटी जैसे रास्तों पर गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो जो उनके लिए पूरी लाइफ उनकी बर्बाद कर देते हैं। तो हर पेरेंट्स का, हर टीचर का ये फर्ज बनता है कि उन्हें टाइम टू टाइम निर्देशन व परामर्श अच्छी तरह से दिए जाने चाहिए। अगला पॉइंट है सेमिनार, सिक्स्थ पॉइंट है सेमिनार। अब सेमिनार कैसे, स्टूडेंट हम इसको क्लियर करेंगे कि सेमिनार कैसे, कि किशोर और किशोरियों को विभिन्न व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यवसायिक आदि समस्याओं के संबंध में विद्यालय में समय समय पर सेमिनार करवाए जाने चाहिए। इससे क्या है अकेले बच्चों के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के को भी क्या है बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। एक तो सेमिनार करवाने से जो स्टूडेंट है, जो बालक है किशोरावस्था के अंदर
क्या है, उनके अंदर झिझक दूर होती है, संकोच जैसी जो भावनाएं होती है उनके अंदर वो दूर होती है, बेशक वो रॉन्ग राइट कैसे भी स्पीच दे रहे हैं, तो ये चीजें ही उनके लिए इन फ्यूचर क्या है अच्छी बन जाती हैं। अगर पेरेंट्स भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उन्हें भी पता चल जाता है कि इस स्टेज पर आकर बच्चे कैसा फील करेंगे, बच्चों के अंदर कौन सी चीजें डिवेलप हो सकती हैं। टीचर को तो ऐसे पता ही होता है स्टूडेंट कि बालकों को उचित निर्देशन व मार्गदर्शन करने की और अधिक सक्षम बना सके, ये किससे हो सकता है, अगर एक टीचर अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन दे, उनका अच्छे से मार्गदर्शन करे। इससे क्या है बच्चे के अंदर एक तो सामाजिक भावना का भी विकास होएगा, बच्चे अपने मित्र मंडली के साथ अच्छे खेल पाएंगे हर एंगल से। सेमिनार के अंदर बच्चा क्या है एक दूसरे के अंदर रूबरू होता है, उन्हें अपनी समस्याओं का दूसरे के सामने रखने की जो है कि योग्यता विकसित होती है, और उन समस्याओं का कैसे सोल्यूशन करना है, किसी से कुछ पॉइंट लेने, किसी से कुछ, इससे क्या है उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है। अगला पॉइंट है उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, सेवंथ पॉइंट है उचित यौन शिक्षा प्रदान करना। अब उचित यौन शिक्षा प्रदान करना कैसे, स्टूडेंट देखिए कि जो किशोरावस्था है इस एज के चलते दौरान बच्चे के जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, लड़कियों का महामारी आ जाना और उनकी किशोरों की क्या है वीर्यपात प्रारंभ हो जाना, चाहे बॉडी के अंदर लगा लो आप चाहे स्टूडेंट की जो क्या है इन चीजों का उन्हें इस एज के अंदर ज्ञान नहीं होता, तो कई बार वो इतना डर जाते हैं, जैसे उनको कई बार वो लज्जा संकोच के कारण किसी को बता भी नहीं पाते कि उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं उनको कौन सा रोग लग गया है। तो हर टीचर का हर पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि टाइम के हिसाब से उनकी एज के हिसाब से उन्हें पहले ही इनकी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि कई बार बच्चे संकोच के कारण लज्जा के कारण अपने पेरेंट्स अपने शिक्षक को या अपने मित्रों को क्या है वो बता नहीं पाते, ये क्यों उनको ये लगता है कि हमें पता नहीं कौन सा रोग लग गया है। तो हर टीचर हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें जो है उचित जो शिक्षा भी प्रदान करानी चाहिए, ताकि वे उनको अच्छा निर्देशन व मार्गदर्शन भी उन्हें उनकी लाइफ के अंदर उन्हें हो कि किशोरों को कि हमारे जो माता पिता है वो हमारे मित्रों की ही तरह हैं, जो हमारे शिक्षक हैं वो भी हमारे मित्रों की तरह हमारे साथ हैं, जो हमारी आने वाली हर प्रॉब्लम का क्या हस्ते से सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट ताकि वे बालकों को उचित निर्देशन में मार्गदर्शन करने के लिए क्या है अधिक सक्षम बन सकें, और किशोरों व किशोरियों को इस बारे में उचित निर्देशन में परामर्श प्रदान कर सके। अगला पॉइंट है नैतिक शिक्षा प्रदान करना, नैतिक शिक्षा प्रदान करना। अब नैतिक शिक्षा प्रदान करना कैसे स्टूडेंट, कि इस एज के अंदर आकर क्या है बच्चे ज्यादा अनैतिकता की तरफ जाते हैं, जैसे उन्हें पता नहीं चलता कि उनको बड़ों के सामने कैसे बात करनी है, जैसे हम इस एज के अंदर जाकर ज्यादा महसूस करते हैं कि जो प्रदर्शनों पर हड़तालों पर इस एज के ही बालक ज्यादा तोड़ फोड़ हड़तालें करते हैं, तो वो क्या है अगर उनको क्या है समझाया जाए या किसी तरह से रोका जाए तो वो ये समझते हैं कि हमारे बड़े हमें क्या है कठोर निरंतर के नीचे रख रहे हैं। तो किशोरावस्था के दौरान अनुशासनहीनता की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है हमारे सामने उभर कर आती है। समस्या तो है ही बड़ी, लेकिन हम क्या है इस प्रॉब्लम को ज्यादा देखते हैं, उनके व्यवहार में विद्रोह की भावना भी हमारे सामने क्या है प्रकट होती है। किशोरों और किशोरियों के चारित्रिक व नैतिक विकास हेतु विद्यालय माता पिता क्या है उन्हें टाइम निकाल के अच्छे से अच्छे क्या है उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें अच्छे नैतिक गुणों से अवगत करवाएं, चाहे वो हमारी लाइफ के अंदर या हमने किसी भी हमारे जो महान हस्तियां रही हैं हमारे साहित्य के अंदर उनके रिगार्डिंग कोई बातें बताकर
तो उनको उनके जो गुण हैं या उनकी कोई महान कार्य रहे हैं उनके प्रति उन्हें जागरूक करवाकर क्या है नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए। इसमें क्या है उन्हें सेमिनार भाषण देकर कई और प्रदर्शनों को दिखाकर क्या है उनके जो आचार व्यवहार के अंदर परिवर्तन अच्छे से लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है प्रेरणा की आवश्यकता, इसी के अंदर है प्रेरणा की आवश्यकता। अब प्रेरणा की आवश्यकता स्टूडेंट कैसे, जो किशोरावस्था एज है वो ऐसी एज है कि इस एज के अंदर बच्चा जल्दी ही गलत कार्य को करने के लिए अक्सर रहता है, गलत रास्ते पर जाता है, तो प्रेरणा देकर ही उन्हें सही रास्ते पर अवगत करवाया जा सकता है। बड़े बड़े सेमिनारों के अंदर भाषण देकर चाहे किसी से संबंधित कोई भी अच्छे कार्य देकर ही उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चा गलत रास्ते पर न पड़े, वो अच्छी अपनी लाइफ के अंदर अच्छे गुणों को कमाए, अच्छा काम करे, अच्छा कार्य करे ताकि वो समाज के अंदर एक अपना अच्छा नाम रोशन कर पाए। अगला पॉइंट है जीवन में दर्शन शास्त्र की आवश्यकता। जीवन में दर्शन शास्त्र, अब जीवन में दर्शन शास्त्र की आवश्यकता कैसे, आवश्यकता अब जीवन में दर्शन शास्त्र की आवश्यकता कैसे स्टूडेंट देखिए कि जो किशोरावस्था में जो बालक होते हैं, किशोर और किशोरियां होती हैं, वो उनके विचार क्या है किसी से नहीं मिलते, वो समझते हैं कि जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, जो हमारी सोच है, वो परोड़ों से नहीं मिलती। तो इस टाइम के अंदर, इस लाइफ के अंदर, इस एज के चलते दौरान उन्हें क्या है दर्शन शास्त्र की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, ये किसके द्वारा होगी, जैसे हमारे मैंने पहले बताया कि जो साहित्य के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे महान हस्तियां रही हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत रही हैं, विवेकानंद जी, तो उनके बारे में अच्छे क्या है उनके बारे में परिचित करवाकर उन्हें जीवन में दर्शन शास्त्र की बहुत जरूरत होती है। आगे मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट, जब भी आप अपना टॉपिक खत्म करते हो, अपना एंड करते हो अपने टॉपिक का, तो निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है, जिसे हम इंग्लिश में कंक्लूजन भी बोल देते हैं, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट, जो आपने अपना टॉपिक किया है, टॉपिक उसका क्या है निचोड़, निचोड़ के रूप में उसका एंड करना बहुत जरूरी है कि उचित निर्देशन व परामर्श में द्वारा ही इन समस्याओं का क्या है निपटान किया जा सकता है। इसलिए किशोरावस्था के दौरान बालकों और बालिकाओं को निर्देशन व परामर्श की बहुत अधिक जरूरत होती है। किशोरों और किशोरियों के निर्देशन व परामर्श में विद्यालय, माता पिता और अध्यापक की अहम भूमिका होती है। अत्यय विद्यालय में निर्देशन की संपूर्ण व्यवस्था बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। किशोरों तथा किशोरियों की रुचि विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें हर चीज की प्रॉपर मार्गदर्शन और निर्देशन देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर शिक्षा भी देनी है तो भी क्या है वो बालकों की रुचि रुझान के अनुसार ही देनी चाहिए। तो स्टूडेंट आज हमने टॉपिक किया थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है बच्चे ये थर्ड यूनिट के अंदर कि किशोरों के निर्देशन व मार्गदर्शन में विद्यालय अध्यापक एवं माता पिता की भूमिका, जिसमें मैंने आपको उससे रिगार्डिंग परिचय बताया, इंट्रोडक्शन बताया, फिर बताया कि किशोरों को समझना, जो हमने पॉइंट टू पॉइंट ही इस चीज को कॉन्सेप्ट को अपने को क्लियर किया है कि किशोरों को समझना, विषयों की व्यावसायिक संभावनाओं पर क्या है संभावनाओं पर ध्यान देना, फिर आता है किशोरों में रुचि प्रदर्शन करना, उच्च शैक्षिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना, संवेगों का प्रशिक्षण, सेमिनार, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, नैतिक शिक्षा प्रदान करना, प्रेरणा की आवश्यकता, जीवन में दर्शन शास्त्र की आवश्यकता, और एंड में हमने अपना क्या किया कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि जो के बात आती है कि किशोरों किशोरों की लाइफ के अंदर
क्या है, एक माता पिता और शिक्षक ही उनके मित्र के समान होते हैं। अगर बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है तो वो क्या है, एक मित्र के रूप में, एक मित्र की भूमिका निभाकर उन्हें सही रास्ते तक ले जाने के लिए निर्देश व परामर्श देते हैं। और यही उचित क्या है, समय अपना निकालकर उचित अवसर प्रदान करके बच्चे को आगे तक क्या है ले जाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपनी थर्ड यूनिट इस टॉपिक के साथ हम फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट, आई होप कि ये थर्ड यूनिट आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।